दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो इन 9 दिनों को काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर माता रानी हमारे घर विराजती हैं और 9 दिन हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लेना बस 2 दिव्य लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय। माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप बन जाओगे करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और इस दौरान यदि माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के प्राचीन काल के समय का महा उपाय उनके सामने कर लेते हैं, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको सफलता उस कार्य में प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की धरती पर हाथी को लेकर के वाहन के रूप में वास करने आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी माता रानी धरती पर वास करने आती है और उन्होंने अपने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लिया है, तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा समय जो होता है वह भक्तों के जीवन में खुशहाली और अच्छा समय लेकर के आता है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने वाली है, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बताने वाले हैं। नवरात्रि के जितने दिन होते हैं उसकी हर घड़ी हर पल गंगाजल के समान पवित्र होती है, और इस दौरान की गई पूजा पाठ से एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराकर थक चुके हैं, तो बस आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के उस महा उपाय को किसी भी दिन कर लीजिएगा। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान वह उपाय कर लिए वह लौंग के जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आप जीवन में आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और माता रानी जी की सच्ची श्रद्धा से दिल लगाकर की पूजा करते हैं तो माता रानी जी आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं, और इस दौरान आपको उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक होते हैं वह शारदीय नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कोई भी टोना करेंगे, टोटका करेंगे, उपाय करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों, यदि आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान कर दिया, जिसे आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से होने जा रही है, इसका जो समापन होगा वह 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तरीके के भेंट अर्पित किए जाते हैं, यहाँ तक कि माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो हर स्वरूप को अलग अलग रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। और इस दौरान यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 2 दिव्य लौंग के प्राचीन काल के समय के महा उपाय को विधि विधान से माता रानी जी के सामने कर लिया, तो आपको माता रानी जी के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहे,
माता रानी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। तो दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। तो नवरात्रि का जो पहले दिन होता है वह माता शैलपुत्री जी को अर्पित होता है। वेद पुराणों के अनुसार शैलपुत्री जी यदि किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसे व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरा दिन जो होता है वह माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित होता है। यदि वेद पुराणों की माने तो ब्रह्मचारिणी जी के आशीर्वाद से ही पूरे ब्रह्मांड का उत्पन्न हुआ था। तीसरा दिन जो होता है वह माता चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा जब भी अपनी घंटी बजती है, उनकी घंटी की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका नाश हो जाता है। चौथा दिन जो होता है वह माता जी को समर्पित होता है। देखिए, हमारे वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है कि यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान आप माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के सामने आप कोई भी उपाय करते हैं, माता कुष्मांडा जी अपना आशीर्वाद आपको जरूर देती है। इसी प्रकार से जब पांचवा दिन होता है वह माता स्कंद माता जी को समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो उसको शारदीय नवरात्रि के दौरान माता स्कंद माता जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और उसकी एक अच्छे पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति जरूर होती है। इसी प्रकार से जो छठा दिन होता है वह माता कात्यानी जी को समर्पित होता है, जिनका आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। और जो सातवां दिन होता है वह माता कालरात्रि जी की पूजा के लिए समर्पित किया गया है और यह जिसको भी आशीर्वाद दे दे उसे व्यक्ति का 9 ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और जो आठवां दिन होता है वह माता महागौरी जी को समर्पित होता है। यदि आपको नहीं पता तो बता दे, माता गौरी जी की पूजा पाठ यदि कोई भी व्यक्ति विधि विधान से कर ले तो उसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष हो, उसका दुर्भाग्य हो, वह हमेशा के लिए दूर चला जाता है। और नव दिन जो होता है वह माता सिद्धिदात्री जी को समर्पित होता है। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो है वह है शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आप सादा जीवन जी रहे हैं किंतु आपके पड़ोसी आप पर बुरी नजर लगा करके बैठे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं जो किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं और आपको परेशान करने की जरूर वह कोशिश करेंगे। तो यह उपाय कर लीजिएगा शारदीय नवरात्रि के दौरान जो आपको हम बात रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात माता रानी जी की असीम कृपा आपको मिलेगी और आपके चाहे लाखों भी शत्रु हो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि माता रानी जी यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसे व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या करना है, देखिए माता रानी जी की अपने चौकी तो अपने घर पर लगाई होगी, और मान लीजिए माता रानी जी की अपने चौकी नहीं लगाई है तो माता रानी जी के मंदिर जाकर यह उपाय कीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। घी कौन सा होना चाहिए, गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक लीजिए, 2 लौंग लीजिए। सूर्यास्त के पश्चात नहाने धोने के पश्चात माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आप लोगों को ये घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। यही उपाय लगातार आपको 9 दिन करना है। ना यह उपाय कर लीजिए, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। यह उपाय करने के लिए आपके घर पर चौकी लगी हो तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपने माता रानी जी की चौकी लगाई है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो यह उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है और 10वें दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। 9 दिन कैसे यह उपाय करना है, आपको एक लाल धागा लेना है, गिन के 21 लौंग लेना है, 21 लौंग से इस लाल धागे में लगा करके माला बना लेनी है। अब आप यदि स्त्री हैं तो यह माला माता रानी जी को पहना दीजिएगा सुबह नहाने धोने के बाद। यदि आप पुरुष हैं तो माता रानी जी की चौकी पर रख दीजिएगा। 9 दिन आपको यह उपाय करना है। 9 दिन के पश्चात ये जो मालाएं हैं इनको किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है और 10वें दिन आपको अपनी मनोकामना भूलनी है। दोस्तों, यह उपाय आप कर लीजिए और आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, वह माता रानी जी की आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है
घर की बरकत का महा उपाय दोस्तों मान लीजिए। आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू, काली विद्या कुछ ऐसा करवा दिया है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के किसी भी दिन आप लोगों को एक काला कपड़ा लेना है, काला के कपड़े पर रखना है, 51 लौंग काले कपड़े की बना लेनी है। पोटली घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर ही काली पोटली को टांग देना है। इस काली पोटली को जिस दिन भी टांगेगा उसके 21 दिन पश्चात इसी काली पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में पारिवारिक कर दीजिएगा। यह उपाय कर लीजिए, ये काली पोटली आपके घर की हर परेशानी, हर दिक्कत को अपने साथ लेकर के बह जाएगी। इसी तरीके से यदि आप बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, तो शारदा नवरात्रि के किसी भी दिन 2 लौंग लीजिए। 2 लौंग को लेकर के माता रानी जी के सामने घी का दीपक जलाइए और इस 2 लौंग को उसे बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाई ओर से दाएं और 2 बार घूमने के पश्चात घर के बाहर जला दे और वह व्यक्ति कितना भी बीमार होगा, कैसी भी उसकी परेशानी होगी, वह खत्म हो जाएगी। आशा है कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। कितना भी बीमार होगा, कैसी भी उसकी परेशानी होगी, वह खत्म हो जाएगी। आशा है कि आज की प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें।